आज सुबह जब हम जोशीमठ से तपोवन की ड्राइव पे चले थे तो हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ड्राइव हमारी रोड ट्रिप की सबसे ब्यूटीफुल ड्राइव्स में से एक होने वाली थी। जोशीमठ से तपोवन के 20 किलोमीटर्स, यकीन मानिए एक एक मोड़ पे आपको अपने ब्यूटीफुल व्यूज से हर मिनट अमेज करेंगे। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ की पीक्स पे गिरी हुई स्नो और उसके जस्ट नीचे साइड में बसे गांव जो इतनी ऊंचाई की वजह से कई कई किलोमीटर दूर से ही दिख जाते हैं, अपने आप में किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग से कम नहीं लगते। बारिश और व्यू देखने की वजह से हम जोशीमठ से तपोवन दोपहर बाद ही पहुंचे, जो आपने पिछली वीडियो में देखा, और अब वहां कुछ देर रुक कर वापस जोशीमठ की तरफ चल पड़े। कड़ाके की ठंड की वजह से जो एक चीज हमें इस समय सबसे ज्यादा चाहिए थी वो थी एक गर्म गर्म चाय। यहाँ पे कहीं चाय बनाता कोई? चाय? हाँ बंदे यहाँ पे ये वाला मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी। ठीक है, तुम कहाँ के हो? हम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा? हाँ कहाँ जा रहे? अरे तपोवन घूमने गए थे। हाँ अब जा रहे जोशीमठ। हाँ कमरा जोशीमठ है। हाँ रुके हुए वहाँ ना। हाँ दो तीन दिन के लिए। 12 साल क्या बारह? हाँ बर्फ देखने आ रखे हैं, यूँ देखने आ रखे हैं। हाँ पार दिखना ना, और गिर रहा है मुझे लग रहा है। ठंड ना हो, थोड़ा हो रही है लेकिन अच्छा है ना। पोती की बेटी की बेटी? हाँ पोती की लड़की की बेटी। मेरे बेटी देखी मेरे। क्या बात करो, तो 6 जनरेशन हो गई फिर तो। वही तो है, सच्ची बात है। जैसे इनकी इनका बेटा, फिर उसका बेटा, उसकी बेटी, फिर बेटी, फिर बेटी, इतना इतना देख लिया। नाती जो टीचर हो गया, पर नाती जो टीचर है, नाती की बेटी की बेटी हो चुकी है। लड़की तरफ से उसकी लड़की का भी उसका। ये बड़े भाग्यशाली हो आप, कितना प्यारा है। हेलो 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 हेलो। अब आप हर रोज तो ऐसे किसी से मिलते नहीं हैं जिन्होंने अपनी 6 जनरेशंस देखी हो, तो हमने कुछ समय वहां रुककर उनसे बात की और फिर वहां से कुछ ही आगे बढ़े कि बानी को रोड साइड पे कुछ नजर आया। क्या देख रहा है बानू? यहाँ पे मुझे लग रहा है प्रोक्यूपाइन के स्टिंग्स हैं। देखो प्रोक्यूपाइन के स्टिंग्स। हाँ ये देखो कितने सारे, छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े वाले तो ये रहे। क्या बात कर रही है? हाँ हाँ देखो ये बड़ा वाला है और छोटे वाले, ये छोटे वाले। हाँ ये देखो छोटे वाले बहुत, और बहुत छोटे वाले भी हैं। एक उठा के दिखा, ये बड़ा वाला उठा के दिखा। ओ वाओ, एक ये है और एक ये। तो प्रोक्यूपाइन की है ना? हाँ हाँ ये देखे आपने, ये स्याही का ही है ना? हाँ हाँ स्याही बोलते हैं। तो ये क्या जिंदा भी छोड़ देते हैं अपने? हाँ छोड़ देते हैं। ये तो किसी ने पकड़ रखा है इसको, छोटे वाले तो ये इसके छोटे किसी ने मारा होगा ना। तो क्या उसे खाते हैं? ये बड़े वाले छोड़ता है वो अपने, उससे तो इसको खाते भी है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा वो वहाँ क्या मतलब प्रोक्यूपाइन को खाते हैं? हाँ हाँ आपने खाया कभी? हाँ हाँ बहुत बार। कैसा होता है? बहुत ही बढ़िया। मटन जैसा होता है, मटन से थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा ये देखो दूसरी स्मेल जैसे आती है थोड़ा। अच्छा हाँ तो शाही बोलते हैं ना। हाँ। शाही क्या बता रहे थे आप, कहानी क्या बता रहे? इसको बोलते हैं राम और लक्ष्मण के बाण ढोलने वाले थे ये। जब रावणों के साथ युद्ध हुआ था ना, टाइम से नहीं पहुंच पाए बाण लेके। हाँ। तो उन्होंने वरदान दिया कि ये बाण तुम्हें पे चिपके रहेंगे। अच्छा अच्छा हाँ तब ये इस पे कहानी, इस पे ये रहते हैं तीर की तरह। अच्छा ये दंत कथा है। हाँ
वो सामने पत्थर देख रहे हो आप? पत्थर सामने हमें जोशीमठ में किसी ने मतलब काफी लोगों ने बताया कि उसमें इमेजेस दिखती हैं भगवान की, अगर ध्यान से देखो तो। अच्छा कोई दिख रही तुम्हें? मुझे तो मतलब कोई फेस तो दिख रहा है। हनुमान चट्टी तो उधर को है, केदारनाथ वाली रोड में ये है? उस तरफ जब मैं उधर से आ रहे थे ना हम लोग, तो उस तरफ लिखा हुआ है हनुमान चट्टी और राम राम जी, हनुमान राम जी, हनुमान चट्टी लिखा हुआ था इस पे। हाँ लिखा हुआ था, तो वो जैसे नहीं लग रहा ऐसा करके, वो मुकुट है उनका, फिर हनुमान तो नहीं लग रहे मुझे, वो शिव जी लग रहे हैं मुझे, वो जटाएं होंगी उनके ऊपर ऐसा लग रहा है। ये नहीं हनुमान चट्टी इधर कहाँ से आया, लक्ष्मण देखते हैं कहाँ हनुमान चट्टी तो। अच्छा कहाँ पे हम, जोशीमठ कहाँ है? जोशीमठ यहाँ ना, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये रहा। इधर से इधर को होगा, नीचे चमोली आएंगे, गोपेश्वर इधर से जाएंगे, तुंगनाथ यहाँ जाना ना फिर हमने। हाँ उखीमठ, गुप्त काशी उखीमठ, काली मठ, मठ क्या है, काली मठ होगा। ये आया हनुमान तट्टी कहीं इधर को है, मतलब जगह है प्रॉपर। हाँ जगह सुना तो हुआ मैंने, पूरा जगह नाम होगा। विष्णुप्रयाग लिखा श्री राम श्री हनुमान शिला हनुमान चट्टी श्री हनुमान जी के मुखमंडल के दर्शन। अच्छा ये मतलब जो पहाड़ है, ये जो पत्थर है, ये अदर दूसरी तरफ से जहाँ पे हम देख रहे थे अभी, दूसरी तरफ से वहाँ से कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं, तो मुझे तो हनुमान कम शिवजी ज़्यादा लग रहे थे। चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम दोनों ने मिलकर के मुझे जो हमने पैन लिया हुआ है और तेल लिया हुआ है, उससे तुमने या तो मुझे मैगी खिलानी है या फिर अंडा ब्रेड खिलाना है, तुम दोनों की प्लानिंग के हिसाब से लिया है। ठीक है आज हम अंडा ब्रेड खाते हैं, चलो ब्रेड लेते हैं और अंडा लेते हैं, ठीक है, और आज खिलाते हैं हरी मिर्च प्याज और क्या टमाटर ले लिया था, टमाटर लिया है, चाकू है हमारे पास, पानी भी तो नहीं है, पानी है, पानी तो है बॉटल में। शाम हो चली थी और अब टाइम था जो सुबह हमने पैन और मैगी ली थी उसका यूज करने का। बारी ने मौका मिलते ही एक ब्यूटीफुल व्यू वाली जगह पे कार रुकवाई मैगी बनाने के लिए। तो बानी एडवेंचर करने लगी है। उसके नीचे बनाई है, उसके नीचे देख के यहाँ पे भी जल सकती है, वहाँ पे पानी नहीं दिखता, कहीं पे भी जल सकती है। अच्छा मतलब मैगी बन भी जाएगी। बिल्ली तो तुम लोगों का बेसिकली प्लान ये है कि यहाँ सड़क के किनारे
इस जगह पे तुम लोग पकाने वाले हो। क्या क्या डाल रहे हो मैगी में? टमाटर, एक प्याज। कितनी मैगी बनानी? तीन ना। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। यस। ये लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाना शुरू करेंगे। मैं जल्दी से, मैंने वहाँ सूखी लकड़ियाँ रख दी हैं छोटी वाली चूल्हे में, ताकि हम आग जला सकें। यहाँ तो गिर गया है, इसलिए उसको यहाँ रखना चाहती हूँ। यहाँ बानी रेडी करी है इतने मैगी का बाकी सामान। हम लोग दोराट से आए हैं। दोराट से? हाँ, दोराट से। तो मैगी यहाँ दुकान में बनवा लेते मैं वही मजे करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है मैगी बन जाएगी या नहीं बनेगी? बन जाएगी, बर्फ ताती गिर रही है। नहीं, वो वहाँ कोशिश कर रहे हैं आग जलाने की। वहाँ ऊपर वो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। बन गई मैगी? आग बुझा देना यार ठीक से। अगर मैं फिसल गया तो? हाँ, अगर भैया फिसल गए ना सारी मैगी नीचे। आ जाओ यार, महारथी हो आप लोग। मैगी महारथी। मैगी मैंने बनाने में थोड़ी कम मदद करी है, लेकिन ज्यादा पोर्शन मुझे देना प्लीज। हो गया, तीनों के बराबर। यार कैसी बनी है, खा के दो। बढ़िया हो रही है। अच्छी हो रही है। स्मोक फ्लेवर आ रहा है उसमें? स्मोक फ्लेवर। अच्छा, धुएं की खुशबू आ रही है थोड़ा। मिर्ची हो गई। मिर्ची? मिर्ची चटपटी हो गई। आप भी खा के देखो ना। बारे तेरे से खाओगे ना? नहीं। आज से आप दोनों को मैगी महारथी की उपाधि दी जाती है। इतनी अच्छी मैगी यहाँ पे। मैगी खाते हुए अब ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था और अब वापस जोशीमठ लौटने का टाइम था। जोशीमठ अभी भी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर्स था, जिसे करीब 1.5 आवर्स में हमने कवर किया। जोशीमठ पहुँचकर हमने मेन मार्केट में डिनर किया और फिर कल विष्णुप्रयाग जाने का प्लान करके सोने चले गए। तो नेक्स्ट वीडियो में विष्णुप्रयाग और नरसिंह टेम्पल के सफर में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड।